नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्लच के अनुप्रयोग। आज लेक्चर नंबर 15 ले रहे हैं और लगभग लास्ट लेक्चर चलने वाले हैं। ये सब लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद मैथ सेकंड स्टार्ट किया जाएगा, इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैक्सिमा एंड मिनिमा। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल के साथ साथ दो क्वेश्चन हो गए थे, आप लोग को बता दिए थे ना। दो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में चार क्वेश्चन था और दूसरे में पांच था, तो कुल मिला के दोनों का 9 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग उसके इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और चेक करते हैं क्या चेक क्या करना है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा कब चेक होता है? अच्छा, तो आ जाओ एक दो मिनट के लिए रिविजन, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने की कितनी विधियाँ? चार। पहली विधि ग्राफी है ना, दूसरा रेंज, तीसरा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और चौथा सेकंड डेरिवेटिव मेथड। याद है ना सबको? अगर ग्राफी विधि है तो वो देख के पता कर लो, है ना। देख लिए, समझ गए कि अगर कोई ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, जहाँ पर वो सबसे ऊपर है वही उसका उच्चिष्ठ, जहाँ पर सबसे नीचे वही उसका निम्निष्ठ, है ना। और रेंज मेथड, जब बंद अंतराल दे दे, है ना, बंद अंतराल, वो भी याद है ना। मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तो लोकल मैक्सिमम स्थानीय मिनिमा का होता है जब उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको निकालना होता है, तो वो कहीं भी आगे चल के ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम हो गया तो उससे क्या। स्थानीय मिनिमा मैक्सिमा का मतलब हुआ कि जिस स्थान पे हमको निकालना है वहाँ पे कहाँ वो मैक्सिमम हुआ है, बस। तो और निरपेक्ष मिनिमा, निरपेक्ष मैक्सिमा भी बता दिए कि वो तो पूरे ग्राफ के लिए होता है और वो कहाँ कहाँ काम करता है। पहला तो एंड पॉइंट, याद है ना, एंड पॉइंट, और साथ ही साथ कौन सा पॉइंट बताओ ना, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर? एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, ये सभी पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज किया होगा। क्लियर? तो कहाँ हाईएस्ट मैक्सिमा है, कहाँ हाईएस्ट मिनिमा है, लोएस्ट मिनिमा है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निरपेक्ष मैक्सिमा, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष निम्नतम का मान निकालते हैं, ठीक है। और जो दो चारों मेथड से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहला काम करो कि किसी भी फलन है उसका अवकलन निकाल लो, और अवकलन निकालने के बाद बस जिस पॉइंट उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे फलन को चेक करो। यदि फलन वर्धमान होने के बाद ह्रासमान हुआ तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है, यदि ह्रासमान होने के बाद वर्धमान हुआ तो उस पॉइंट पे फलन क्या है, मिनिमा है। क्लियर? चलो, तो अब सेकेंड डेरिवेटिव बताए थे। सेकेंड डेरिवेटिव सबसे आसान होता है और ये कहीं कहीं फेल भी हो जाता है, बताए थे ना। सेकेंड डेरिवेटिव तो आसान सबसे होता है लेकिन फेल हो जाता है कहीं कहीं। कहाँ फेल होता है भाई? जहाँ क्रिटिकल पॉइंट में सेकेंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना ही है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह रखते हैं, यदि वह जीरो हो जाता है तो वहाँ पर फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं आप लोग, अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो ज़रूर देख लेना ताकि ये समझ में आ जाएगा। चलो, तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने, स्टार्ट क्या थोड़ा सा पढ़ा दिए, मतलब उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, ठीक है, दो हो गया, आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, पहले ही दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तीसरे का पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान भी निकालना है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा के साथ मैक्सिमम वैल्यू और मैक्स मिनिमम वैल्यू अगर कुछ भी है तो निकालो जरा। चलो, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, देख रहा है, चलो सही है। हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि यह मैक्सिमा है या मिनिमा और किस पॉइंट पे मैक्सिमा है। क्लियर है ना? चलो, तो देखो जरा, सबसे पहला काम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। क्लियर? फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जरा सोचो कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला होगा, पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर मान लो x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर भी 1 मिलेगा, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 4 मिलेगा ना। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कभी भी होगा तो वो देखो ऐसा ही परवलय टाइप होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, परवलय बन गया है ना। जरा ये सोचो कि ये तो परवलय है, अगर हमसे इस परवलय में पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कहाँ है,
तो बता दोगे मैक्सिमम वैल्यू का है? नहीं भाई, मैक्सिमम वैल्यू इसका बता ही नहीं सकते, इसका तो मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है, क्लियर। लेकिन जरा देखो ये ऊपर की ओर खुल तो रहा है, लेकिन किसी एक बिंदु पे आके मिल रहा है जहां पे ये मिनिमा हो रहा है। तो ग्राफ देख के बता सकते हैं ये एक्स बराबर जीरो पे मिनिमा है कि नहीं, मिनिमा है। चलो ये तो हो गया ग्राफ देख के बताना, ये फर्स्ट मेथड लगा लो, सेकेंड थर्ड थर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड वाला लगा लो, उससे भी देखो कुछ ऐसा काम हो रहा है। एफ डैश एक्स बराबर टू एक्स हो गया, हमें करना क्या होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर सी पी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा जीरो, मतलब एक्स बराबर जीरो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्लियर क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना आएगा इसका, भाई इसका डी टू वाई टू आएगा ना, आएगा कि नहीं टू, अच्छा टू आ गया। अगर इसको एक्स बराबर जीरो पर रखते हैं तो एक्स तो इसमें है ही नहीं, फिर भी टू होगा। तो देख लो जरा सोचो, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है, ग्रेटर देन जीरो है ही, टू है, ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है, इसका मतलब कि यह जो पॉइंट है यह पॉइंट इसका मिनिमा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई, समझ में आई ना, चाहे इससे समझो चाहे इससे, ये तो एक के बार में खत्म हो गया भाई, कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए ऊपर की ओर उड़ा, जहां पर ये कटा है वह जीरो पर है, जीरो वैल्यू है, तो जीरो पर मिनिमा होगा, मैक्सिमा का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें मैक्सिमा मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आई, आई ना, चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो नोट कर लो ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स हम करेंगे क्या, मेथड लगा दिए, मेथड से भी वही आया जो ग्राफ से आया, ठीक है। ये फर्स्ट था और ये थर्ड था, नहीं ये फोर्थ था ना भाई, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व किए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, टू आ गया, क्लियर क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, ये तो मिनिमा हो गया, मिनिमा हो गया ये, लेकिन अगर कहे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मिनिमम वैल्यू हिंदी में क्या लिखोगे, निम्नतम मान, निम्नतम दिख रहा है ना, हाँ चलो निम्नतम मान ये कितना होगा, निम्नतम मान भाई, अरे एक्स की जगह जीरो, जीरो पर क्रिटिकल पॉइंट पे यह मिनिमा हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो जीरो पर एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो ही तो मिलेगा, हर चीज़ इसमें जीरो ही मिलने वाला है, क्लियर। चलो नोट कर लो फटाक से, है ना, चलो अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए, दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन ये है, सॉल्व इसको करना है, कैसे करो, एकदम यही वाला मेथड, सबके जितने भी हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल लें सबको सेकेंड डेरिवेटिव मेथड लगाओ, अगर फेल हो जाए यहाँ पे जीरो आ जाए तभी फर्स्ट पे आओ, क्या कि ग्राफी वाला तो समझा दिए, रेंज मेथड भी समझा दिए, क्लियर। तो इसको लगाओ किससे, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से ही लगाओ, क्लियर। चलो देखो तो ये कितना हो जाएगा भाई, जी एक्स है ना, तो जी डैश एक्स कितना आएगा, देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो गया, क्लियर, थ्री कॉमन ले लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, अच्छा जी डैश एक्स है तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना होगा, जी डैश एक्स बराबर जीरो, क्लियर। तो इसका राइट हैंड साइड अगर जीरो के बराबर करें, माइनस वन इज इक्वल टू कितना भाई, जीरो, तो ये मिलेगा एक्स बराबर प्लस माइनस कितना, वन मिलेगा, मिलेगा ना, वन उधर जाएगा एक्स स्क्वायर जब इस पर चढ़ेगा, तो प्लस माइनस क्या, वन मिलेगा, क्लियर। चलो देखो तो मतलब ऐसे दो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट दो मिल गए हमको, एक वन मिल गया और एक माइनस वन मिल गया, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लो कि फलन कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, और ये निकालेंगे किसका, यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स ये है, इसी का डी टू वाई बाई डी एक्स निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स हो गया, बन गया ना डी टू वाई बाई डी एक्स सिक्स एक्स। हमें चेक करना है फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो जो जो क्रिटिकल पॉइंट है एक एक करके रख दो, तो फॉर लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू कितना भाई, वन, तो वन रखेंगे तो यह कितना मिलेगा,
छः मिलेगा। जब एक्स बराबर एक रखें तो वैल्यू कितना मिला? छः मिला। तो अतः हम क्या कहेंगे बताओ ना, अतः क्या कहेंगे? देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर एक पर जीरो से बड़ा मिला या जीरो से छोटा मिला बताओ ना? जीरो से बड़ा है ना छः, तो जीरो से बड़ा मिला, अर्थात एक्स बराबर एक पर फलन क्या होगा भाई? फलन निम्नतम होगा, होगा ना? निम्नतम होगा, क्लियर? एक्स बराबर एक पर फलन निम्नतम होगा। अच्छा ये तो हो गया निम्नतम होगा, निम्नतम मान कितना होगा क्योंकि ये भी पूछा हुआ है। तो निम्नतम मान निकालने के लिए वन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। बात समझ में आई? चलो इतना कर लो पहले, उसके बाद इधर के मिटा के सॉल्व करते हैं आगे के। तो देखो भाई आगे करो, x बराबर एक पर फलन तो निम्नतम हो गया, अब निम्नतम मान के लिए क्या करो? x बराबर एक का मान या फिर x बराबर एक जी एक्स में रखने पर, ठीक है जी एक्स में रख दो एक, एक तो कितना हो जाएगा भाई? जी एक्स का मान निम्नतम वैल्यू होगा ये, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू माइनस टू, इसी को बोलेंगे निम्नतम मान। आया ना निम्नतम? ये जो वैल्यू है ना, ये जो फंक्शन है, इसका कभी भी इससे कम मान नहीं हो सकता, स्थानीय मान। क्लियर? बात समझ में? स्थानीय मान, निरपेक्ष की तो बात ही नहीं कर रहे, स्थानीय की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब क्या करो, एक और क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो फॉर एक्स बराबर माइनस एक कर लो, एक्स बराबर क्या? माइनस एक। तो उस समय फलन पे हमको क्या मिलेगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट कहाँ पे? एक्स इक्वल टू माइनस वन पे। चेक करो कितना हो जाएगा, छः गुणे माइनस वन बराबर माइनस छः इज लेस देन जीरो। मिला ना लेस देन जीरो? अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया, अतः क्या बोलेंगे? एक्स बराबर माइनस एक पर फलन कैसा है? फलन उच्चतम है ना? ये तो उच्चतम हो गया, उच्चिष्ट है या उच्चतम है, कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश में मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है? उच्चिष्ट है, पुनः उच्चतम मान भी तो निकालना है। तो x बराबर माइनस वन जी एक्स में रखने पर, जरा रख लो फटाफट करो भाई, कोई भी हार्ड है क्या इसमें? कुछ नहीं हार्ड है यार, बस फटाफट वैल्यू रखते जाओ। जी एक्स में माइनस वन रखो भाई, जी एक्स का है या ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, तो माइनस वन रखेंगे तो यहाँ जी एक्स कितना मिलेगा हमको? माइनस वन का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन, माइनस वन का होल क्यूब करेंगे माइनस वन आएगा, और थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, प्लस थ्री माइनस वन आ गया कितना? टू, और ये हो गया उच्चतम मान। बात समझ में आई? एक तो उच्चिष्ट भी निकालना है, साथ ही साथ उच्चतम मान भी निकालना है। तो उच्चिष्ट तो तभी पता चल जाएगा जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो वो निम्निष्ट है, और अगर लेस देन जीरो आ गया तो उच्चिष्ट है। समझ में आया? उच्चिष्ट तो निम्निष्ट इसी से पता चल गया, लेकिन जब इस फंक्शन का मान उठा के इसमें रखेंगे तभी ना पता चलेगा कि मिनिमा कितना हो रहा है, कितना कम से कम जा सकता है और कितना अधिक से अधिक जा सकता है। बात समझ में? चलो तो इसको नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। इधर पहले कराया ना, अगला देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर तीन, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एच एक्स इक्वल टू तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
कंडीशन में दिया है x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 तक। चलो सही है, 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। चलो इसका भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, वो भी रेंज इसी के भीतर है, इसी के अंदर ही इसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम एच एक्स को एच डैश एक्स निकाल लो, है ना। एच एक्स का क्या करो, एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया एच डैश एक्स। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप सबको याद है, क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका राइट हैंड साइड जीरो बनाओ तो ये हो जाएगा जीरो, क्लियर। ये उधर जाएगा तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स इधर लेके चले आओ, ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू वन, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, हमें बस क्रिटिकल पॉइंट चाहिए कैसे भी। तो ये देखो बन गया टेन एक्स, ये बन गया टेन एक्स बराबर वन, और ये जरा बताओ वन कौन सी वैल्यू होती है, एक्स की कौन सी वैल्यू है, ये लिख सकते हैं ऐसे टेन एक्स बराबर टेन टेन पाई बाई फोर, क्लियर। टेन एक्स बराबर टेन से टेन इधर जाके इन्वर्स बनाएगा, इन्वर्स बना खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमको कितने मिलेगी, पाई बाई फोर, अच्छा ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू मिली, कंडीशन ये होना चाहिए कि इस दोनों के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं है, बीच में ही है, मतलब सही है, काम सही हो रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम क्या निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट पे ही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। चलो निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, क्रांतिक बिंदु, ठीक है हिंदी में लिख लेना क्रांतिक बिंदु, थोड़े थोड़े अगर इंग्लिश के प्रोसेस आते हैं तो वो अगर एग्जाम में भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर एग्जाम में भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े थोड़े लेकिन पूरा मत लिख देना, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसी को एक बार और अवकलन कर दो, मिल गया हमको क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना मिलेगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो सबकी, एट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एट कहाँ भाई, एक्स बराबर पाई बाई फोर पे, कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, वैल्यू रख दो दोनों को, ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, होगा ना, एलसीएम ले लो, रूट टू होगा, माइनस वन कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे आएगा हमको माइनस टू बाई रूट टू, कितना आएगा, माइनस टू बाई रूट टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, रूट टू इसमें से एक टू कट जाएगा ना, ऊपर दो को रूट होता है, या तो परमेयकरण करके पता कर लो, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं यार इस दो में, टू में दो बार रूट होता है, एक टू रूट कैंसिल कर लेगा, बचेगा माइनस रूट टू, आया ना समझ में, बोलो, अरे परमेयकरण करना है, रूट टू के भीतर, टू के भीतर दो बार रूट टू होता है, एक टू रूट टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट टू, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब ये बताओ कि ये जो रूट टू है माइनस में है ना, तो ये जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा हुआ इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा हुआ, अर्थ है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे ये फलन उच्चिष्ट है ना, क्योंकि माइनस में आया है, अतः क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर पाई बाई फोर पर फलन क्या है भाई, स्थानीय उच्चिष्ट है ना, स्थानीय उच्चिष्ट है, और उच्चतम मान इसका क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान, बस जो पाई बाई फोर पे उच्चिष्ट है उसी को उठा के एच एक्स में रख दो,
है ना। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। वैल्यू कितना मिलेगा, साइन पाई बाई फोर का मान 1/√2 प्लस 1/√2, ये कितना हो जाएगा, रूट टू आंसर आने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ बढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये 1/√2, रूट टू एलसीएम लेंगे, रूट टू हो जाएगा, ऊपर टू हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, बचेगा रूट टू, आ गया ना। यही है इसका मैक्सिमम वैल्यू, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज के भीतर यही है, ठीक है। मैक्सिमम क्यों हुआ, मैक्सिमम क्यों हुआ भाई, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो थी, वह माइनस में आया, जो कि जीरो से छोटा था। जीरो से छोटा होते ही, ये जीरो से छोटा होते ही फलन मैक्सिमा है, और जीरो से बड़ा होते ही फलन मिनिमा है। क्लियर, उस क्रिटिकल पॉइंट पे। चलो नोट कर लो फटाक से, क्वेश्चन ये सब मज़ेदार है एग्जाम में पूछने वाले, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पे। चलो अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लो फटाक से। ठीक है, मिटाते इधर। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे ही मिटा दे। चलो एक मिनट और ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है, लेकिन अभी लिख लो, अभी खड़े अभी लिख लो, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन बनाते चलो साथ में, रिवीजन करते चलो, ठीक है, घर पे बैठ के एक बार इस सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन करना है ना। रिवीजन करेंगे आप लोग तो परफेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम तक भूलने वाला नहीं है, तो रिवीजन करना है, ठीक है, मिटा दे रहे इसे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है क्या, लेकिन इसका रेंज जो दिया वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर 2 पाई। इसका 2 पाई का मतलब कि ये हो गया 90, 180 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, मतलब यहाँ तक पूरा जाना है, पूरा गोल घूमना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब कि कोई भी वैल्यू आएगा वो 2 ठो आएगा क्रिटिकल पॉइंट। देखो कैसे आता है, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और रेंज होना चाहिए 0 से लेकर 2 पाई तक। देखो अवकलन कर ले इसका, सबसे पहला काम अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये बन गया प्लस साइन एक्स, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई ना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आया, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको हम 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0, राइट हैंड साइड 0 के बराबर करो तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से कॉस एक्स उधर लेके चले जाओ, है ना, तो साइन एक्स बराबर हमको मिलेगा माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स फिर इधर लेके चले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्या बन गया, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। बस अब यहीं पे 2 मिनट स्थिर होके ध्यान रखना है। अब देखो रेंज कह रहा है 0 से 2 पाई के बीच में पूरा चलना है, तो देखो इसमें तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव हमको चाहिए, नेगेटिव इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव। जरा ये सोचो नेगेटिव टेन कब कब मिलेगा, इसमें तो मिलेगा है नहीं, मिलेगा कब, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, क्लियर है ना। तो जरा ये सोचो कि इसको ये भी तो लिख सकते हैं, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर। अब माइनस हटाना है तो ये कहाँ कहाँ, माइनस टेन पाई बाई फोर, टेन माइनस में कब कब आता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। इसका मतलब
180 में से घटाने पर और एक ठो 360 में से घटाने पर, पाई माइनस और 2 पाई माइनस, बस हो गया ख़त्म। तो यहाँ से देखो हमको दो वैल्यू मिलेंगे, कैसे कैसे, ये हो जाएगा टेन एक्स बराबर, एक हमको ये मिलेगा टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, और एक और क्या मिलेगा, और एक और मिलेगा टेन एक्स बराबर टेन, देखो इसमें भी टेन नेगेटिव होता है, तो ये जो माइनस टेन पाई बाई फोर आया, ये हो सकता है कि इसमें से आए हो या फिर यहाँ से आए हो, तो दोनों को लिखना ज़रूरी है ना। तो टेन क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस पाई बाई फोर, क्लियर। अब जब इतना कर लेंगे तो यहाँ से देखो टेन इधर जाएगा, इनवर्स बनाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर हमको मिलेगा थ्री पाई बाई फोर, और यहाँ से एक्स बराबर क्या मिलेगा, टेन उधर जाएगा, इनवर्स बनाएगा, ख़त्म। ये बनाएगा आठ माइनस सात सेवन पाई बाई फोर। दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक ये मिला और एक ये मिला, दोनों क्रिटिकल पॉइंट से हमको सॉल्व करना है कि यह मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इस पॉइंट पे मैक्सिमा है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव जैसे ही लिखोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का आकलन करना पड़ेगा। कहाँ है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे प्लस कॉस एक्स। वैल्यू मेरे पास दो गो है ना, क्रिटिकल पॉइंट दो गो है, तो दोनों एक एक करके रख लें। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट कौन सा रखें, पहले पहला वाला रख लिया जाए थ्री पाई बाई फोर पे, तो यहाँ थ्री पाई बाई फोर रखो तो ये हो जाएगा माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस कॉस थ्री पाई बाई फोर, होगा ना। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, कितना हो जाएगा भाई, थ्री पाई बाई फोर साइन 180 माइनस पाई बाई फोर, लिख सकते हैं है कि नहीं, साइन 135 का मान है, ऐसे देखो माइनस साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री, 180 माइनस कितना बताओ, 45 है ना, हाँ 180 माइनस 45, और ये भी 180 माइनस 45, तो इसको करेंगे 180 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई रूट टू, क्लियर। और कॉस को करेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, जब वो माइनस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, क्लियर है ना, क्लियर है, समझ में आए सभी को, ट्रिग्नोमेट्री में यार बहुत बार पढ़े हो। चलो अब इसको एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा माइनस टू, वैल्यू अभी देखो पिछले वाले की तरह ही आएगी, माइनस रूट टू इज लेस देन जीरो, आया कि नहीं आया, समझ में आया सभी को, एक बार और समझ लो यहाँ से, 135 डिग्री है, 180 माइनस 45 करेंगे तो साइन 135 आ जाएगा, क्लियर, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, तो साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 145 की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट टू, ऐड कर लो प्लस हो गया 2 बाई रूट टू, वैल्यू आ गया माइनस रूट टू। इसका मतलब इस पॉइंट पे फलन डी टू वाई बाई डी एक्स का मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स बराबर 3 पाई बाई 4 पर फलन क्या है भाई, फलन उच्छिष्ट है ना, उच्छिष्ट है। और उच्चतम मान निकालने के लिए बस वैल्यू रख दो, तब उच्चतम मान कितना आएगा भाई, उच्चतम मान इसमें वैल्यू उठा के रखो 3 पाई बाई 4, तो उच्चतम मान के लिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो तो एफ एक्स बराबर कितना मिलेगा हमको, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, यही होगा ना, साइन 3 पाई बाई 4 की अभी वैल्यू बताए कितना होता है, 1 बाई रूट टू, ये माइनस तो बाहर था इसीलिए लिखे थे, ये हो गया 1 बाई रूट टू, और कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट टू, वो वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे, रूट टू ऊपर हो जाएगा 2, काटेंगे बचेगा हमारे पास 2, हो गया आंसर। सभी को समझ में आ रहा है क्या?
कैसे हो रहा है? चलो नोट कर लो फटाफट फटाफट नोट कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है, ज़्यादा इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है ना, सभी समझ जाओगे। एक दो मिनट उसको प्रोसेस करना, थोड़ा दिमाग लगाना। जल्दी जल्दी नोट करो। अभी एक और क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे फलन मैक्सिमा या मिनिमा होगा। इस पे तो मैक्सिमा हो गया, पता चल गया। हो सकता है मिनिमा हो जाए या फिर एक बार और मैक्सिमा हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? स्थानीय मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए हमको। नोट कर लो फटाक से। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3π/4 था तो उसके लिए तो काम हो गया। अब एक और क्रिटिकल पॉइंट है d2y/dx² एट x=7π/4, याद है ना सभी को? चलो तो पहले d2y/dx² लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो d2y/dx² कितना है मेरे पास? मिटा दिए हैं लेकिन कोई बात नहीं, -sin θ + cos θ ये था ना। चलो तो ये आ गया d2y/dx² -sin x + cos x। ठीक है, तो -sin x + cos x वैल्यू रखो, कौन सा? d2y/dx² एट x = 7π/4 रख लो। -sin 7π/4 +cos 7π/4। ठीक है, चलो तो 7π/4 को और क्या कह सकते हैं? कितना डिग्री है 7π/4? कितना डिग्री है? 360 में से 45 घटाओ, 20 हो गया 15, 315 डिग्री है, कर लेना गुड़ा, 315 ही आएगा। ठीक है, तो ये है वैल्यू साइन 315 डिग्री और ये भी है कॉस 315 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं? -sin 360 - 45 और इसको लिख सकते हैं cos 360 - 45, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव? इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस, है ना? मतलब इसमें कॉस पॉजिटिव है, इधर घटाएंगे तो कॉस पॉजिटिव मिलेगा लेकिन साइन नेगेटिव मिलेगा, है ना? तो इसको लिख सकते हैं माइनस तो है ही, और साइन 360 माइनस 45 हो जाएगा -sin 45, तो वो माइनस साइन ये माइनस प्लस कर लेगा और साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कॉस 360 माइनस 45 तो वही बात है भाई, पॉजिटिव होने वाला है तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस कॉस 345 कॉस 45 हो गया। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ गए, ये कितना आएगा 1/√2, ये भी आएगा 1/√2, वैल्यू कितना हो गया? √2, डायरेक्ट लिख दे, है ना? इसका वैल्यू कितना आएगा? √2, जो कि ग्रेटर देन 0 है, अतः क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। अरे जाहिर सी बात है √2 √2 LCM √2 2, 1 + 1 2 हो गया, √2 से कैंसिल, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हुआ तो अर्थ है कि यह जो फंक्शन है, यह जो वैल्यू है x = 7π/4 पे पॉजिटिव आया, मतलब इस पॉइंट पे मिनिमा है ना, निम्निष्ठ है, अतः x = 7π/4 पर फलन क्या है भाई? फलन निम्निष्ठ है। बात समझ में आई? निम्निष्ठ तो हो गया, साथ ही साथ और क्या चाहिए? निम्नतम मान, जैसे उच्चतम मान तो निकाल लिए थे। अगर देखो क्वेश्चन में न कहे कि निम्नतम मान उच्चतम मान निकालिए, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे कि निम्नतम और उच्चतम मान भी ज्ञात कीजिए, तब निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे बार बार हम निकाल रहे हैं, निम्नतम उच्चतम आ जा रहा है, निम्निष्ट उच्चिष्ट आ जा रहे हैं, उसके बाद भी उसका उच्चतम मान निकाल रहे हैं। निम्निष्ट आ गया फिर भी इसका निम्नतम मान निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका निम्नतम मान कितना होगा। बस
जिस वैल्यू पे निम्निष्ट है वही वैल्यू उठा के फंक्शन में रख दो। भाई क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन तो बिठा दिए, क्वेश्चन था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है चलो। क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है चलो। वैल्यू रखो 7π/4 कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 7π/4 का मान फंक्शन में रखने पर क्या मिलेगा, निम्नतम मान एफ एक्स बराबर क्या होगा, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। ये है साइन कितना, डायरेक्ट लिख दे अभी तो इसको समझाएं, ये साइन 45 माइनस में होगा, वो कॉस 45 प्लस में होगा, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45, और ये प्लस में है तो माइनस कॉस 45, ठीक है। ये हो गया -1/√2, और ये भी हो गया 1/√2। एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, √2 -2 कैंसिल कर दो, बचेगा कितना, √2 माइनस में √2, ये आ गया हमारा निम्नतम मान। समझ में आया कि नहीं आया, ज़्यादा कुछ हार्ड तो नहीं है, बस वही काम करते जा रहे हैं दोबारा दोबारा, ठीक है। तो फटाफट बना लो, फटाफट बना लो, फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी खत्म करने का। ठीक है इटा दे, चलो अगला क्वेश्चन। देखो अगला तो पूरा फंक्शन ही है, मतलब पॉलिनोमियल ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी कर लोगे। एफ एक्स इक्वल टू x³ - 6x² एफ एक्स इक्वल टू x³ - 6x² +9x+15, ये फंक्शन है, ठीक है। सॉल्व करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, क्या करेंगे बताओ। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ना, सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3 आगे आ जाएगा, पावर एक कम, 6 × 12 आगे, पावर एक कम, -9, ठीक है। बस अगर एफ डैश एक्स आया तो इसका क्या निकालेंगे अब, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर CP एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इसका राइट हैंड साइड 0 के बराबर करो तो ये हो जाएगा 0, है ना। 3 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तीनों में से 3 कॉमन निकाल लो, बचेगा x² - 4x - 3 बराबर 0। ये उधर गया x² - 4x - 3 बराबर, ठीक है। इसका क्या करूँ, फैक्टराइजेशन कर दो, ये बनेगा एक ब्रैकेट में 3 एकम 3 और दूसरे ब्रैकेट में, सही है, दोनों जगह माइनस है, यहाँ प्लस है, अब सही है, ठीक है। एक ब्रैकेट में कर ही लेते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा x² - 3x + x + 3, वही तो बोले, हाँ x+3 है ना। अब इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करो, अरे देखो यहाँ तो माइनस होगा ना, -3x - x = -4x होगा, दोनों को माइनस माइनस में जोड़ेंगे फिर, तो यहाँ बनेगा x-3 और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा हमारा 1 कॉमन आएगा x-1, सही है, दोनों माइनस में आया। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा 3, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब पॉलिनोमियल सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी देख लो, है ना। मिल गया एक 1 मिल गया, एक 3 मिल गया, ठीक है।
एक एक करके दोनों पर चेक करो कि किस पे फलन मैक्सिमा है, किस पे फलन मिनिमा है। कैसे चेक करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। तो याद रखना कि सेकेंड डेरिवेटिव मेथड बस चेक करने के लिए होता है कि फलन क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर माइनस में आया तो मैक्सिमा है, प्लस में आया तो मिनिमा है। सही बोले ना? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ हम करेंगे क्या भाई? हाँ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, पहले निकालेंगे ठीक है समीकरण एक से। अब सोच रहे होंगे समीकरण एक कहाँ है, तो हर बार तो बना रहे हैं समीकरण एक, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वही समीकरण एक ठीक है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो तीन दुना हो जाएगा छः और ये 12, तो ये हो जाएगा 6x-12 बनेगा ठीक है। चलो अब जिस पॉइंट पे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट एक एक करके रख देते हैं, आंसर आने वाले है ना। तो x बराबर 1 के लिए चेक करते हैं फलन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा? 6 × 1 − 12 बराबर −6 इज लेस देन 0। वाह भाई वाह, लेस देन 0। अर्थ क्या हुआ? फलन मैक्सिमा या मिनिमा? बताओ बताओ, मैक्सिमा। अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट होगा है ना। और उच्चतम मान भी निकालना है क्या? निकाल लो उच्चतम मान। करना क्या होगा भाई? उच्चतम मान क्या करना होगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो वैल्यू जो फंक्शन पे मैक्सिमा हुआ है उसी को उठा के सीधे फंक्शन में रखना है ना। तो एफ डैश एक्स में नहीं, एफ डबल डैश एक्स में, सीधे फंक्शन में उठा के रख दो। तो फंक्शन में उठा के रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 1³ − 1, 6 × 1² − 6 प्लस 9 × 1 = 9 प्लस कितना हो जाएगा? 15 ठीक है। ये हो जाएगा −5, −5 प्लस 15 प्लस 10, 10 और 9 कितना आ गया? 19, जोड़ घटा लेना ठीक है। यही होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अब निकालते हैं दूसरे क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 3 के लिए ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अब x बराबर 3 के लिए निकालते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 3 कितना हो जाएगा? एट एक्स बराबर 3 है ना। देखो करते हैं कहाँ गया भाई? वैल्यू रखो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, कोई दिक्कत हो तो बना लो, एक उठा के रख दो। ये हो जाएगा 6 × 3 − 12, 6 × 3 = 18, 18 − 12 = 6 आ गया। और ये क्या हो गया भाई? ग्रेटर देन 0, ये था −6, लेस देन 0, ये हो गया +6, ग्रेटर देन 0। अर्थ क्या हुआ? x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट होगा ठीक है। x बराबर 3 पर फलन क्या होगा? मिनिमा होगा, और मिनिमा तो हो गया। अब आगे क्या करना होगा? 3 पर फलन मिनिमा हो गया, चलो बस इसी की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, तो ये आ जाएगा निम्नतम मान। निम्नतम मान कितना आएगा? 3 उठा के फंक्शन में रखो, 3 × 9 = 27 माइनस 3 × 9 9 × 6 = 54 −54 ठीक है, प्लस 9 × 3 = 27 प्लस 15 सही है। 3 × 27 9 × 6 = 54 9 × 3 = 15 तो 27 × 3 कितना हो जाएगा? 54 यार, चलो ठीक है 27 × 3 = 54, ये 54 कट गया इससे ठीक है, बचा कितना? 15। यही हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू। मतलब ध्यान दो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आया 19 और मिनिमम वैल्यू आया 15, क्या दिक्कत है? 15 से 19 के बीच में फंक्शन है ठीक है। स्थानीय मैक्सिमा और स्थानीय मिनिमा आ गया, क्लियर? लोकल मैक्सिमा है ये सब ठीक है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहे हैं बस उसी के लिए। तो इसको लोकल निम्नतम मान, इसको लोकल उच्चतम मान कह सकते हैं ठीक है। नोट कर लो फटाक से। फटाक से नोट कर लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा,
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू वाई एक्स, ठीक है, करना क्या है, और कंडीशन दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, बस काम करते चलो जैसे हर बार करते आ रहे हो। सबसे पहला काम हल लिखो, है ना, उसके बाद जी डैश एक्स कितना होगा, x बाई टू है, x बाई टू का जब आकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं नहीं ना, चलो अब 2/x करेंगे तो -2x² इसमें कोई दिक्कत नहीं यार, जब इसमें नहीं तो इसमें भी नहीं, है ना, 1/x का आकलन करेंगे तो -1x² होता है, ठीक है। चलो इतना हो गया जी एक्स की वैल्यू, ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, क्रिटिकल पॉइंट फॉर CP जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 1/2 -2x² इज इक्वल टू 0, 1/2 इज इक्वल टू 2x², उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, है ना, तो x² बराबर हो जाएगा 4, x बराबर आएगा 2 और -2, क्योंकि रूट जब अंदर जाता है तो दो मान देता है, एक प्लस वाला भी एक माइनस वाला भी। चलो आ गया क्रिटिकल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं ना, और साथ ही साथ देखो कंडीशन दिया हुआ है कि x 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, लो तब ये गया, अगर 0 से छोटा नहीं होगा तो ये गया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला x = 2, सही है। चलो अब आगे बढ़ा जाए, आगे क्या करना है, डबल डैश निकालो, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, डबल डैश निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे रख के चेक करो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, तो d2y/dx² निकाल लेते हैं, इसी का है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, निकालो 1/2 का अवकलन करेंगे, सॉरी इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर x² माइनस हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -2 आएगा ऊपर, ये हो जाएगा x^-3, इसका मतलब ऊपर मिलेगा -4/x³, ठीक है, वो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 4/x³, है ना, ये आ गया d2y/dx², जरा वैल्यू रख लिया जाए x² का मान, x का मान रख लो, तो d2y/dx² एट x = 2, रखो जरा, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4/2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, डिवाइड करेंगे आएगा 0.5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो हुआ ना, मतलब 0 से बड़ा हुआ फलन मिनिमा है इस पॉइंट पे, मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है, क्लियर, चलो तो मिनिमा है तो ये बोलेंगे x = 2 पर फलन कैसा है भाई, स्थानीय निम्निष्ठ है और स्थानीय निम्नतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ ना, x = 2 उठा के रख देंगे और क्या करेंगे, तो देखो 2 रखेंगे फंक्शन में, तो यहाँ gx = हमको मिलेगा 2/2 + 2/2, कैंसिल करो मिल गया हमको 2, तो यही होगा हमारा निम्नतम मान, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, सही है, लोकल मिनिमम वैल्यू, कोई दिक्कत नोट कर लो फटाफट, चेक कर लो भी 5 पॉइंट, हे राम, ठीक है, और इसमें ये -2 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि पहले ही कंडीशन दिया था कि x 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर -2 लेते तो x 0 से छोटा हो जाता, तो इसीलिए +2 वाला फंक्शन ही लिए, और निम्निष्ठ हो गया x = 2 पर, और निम्नतम मान भी आ गया 2, ठीक है, नोट कर लो। जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जी एक्स बराबर 1/x² + 2 क्वेश्चन नंबर 7 है। जी एक्स बराबर 1/x² + 2 ठीक है। तो इसको बनाते हैं, ये फंक्शन बनाने के लिए फिर वही काम वही काम, हर बार वही काम वही काम। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो उससे पहले लिखेंगे हल और इधर कर देंगे जी डैश एक्स चलो तो देखो भाई जी डैश एक्स निकालो ना कितना आएगा बताओ। हर को ऊपर ले जाएंगे, अवकलन अगर अंश का करेंगे तो कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, अंश को छोड़ देंगे और हर का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x/x² + 2 होल स्क्वायर ठीक है सही है ना, इसमें कोई दिक्कत। अंश बटा हर का लगाएं, p बाई क्यू वाला मेथड, p q ऊपर जाता है p का अवकलन माइनस q p छूट जाता है q का अवकलन, डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर ठीक है। अब देखो आगे करेंगे, इतना तो काम हो गया ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है भाई, तब तो कुछ मिलेगा ही नहीं इससे है ना, देख लेते हैं क्या मिलने वाला है इससे। हाँ एक्स बराबर जीरो, जाहिर सी बात है जीरो ही मिलेगा ठीक है। चलो तो जी डैश क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा है ना। तो अब देखो जी डैश एक्स जीरो के बराबर करो तो ये हो जाएगा -2x/x² + 2 होल स्क्वायर = 0, ये उधर जाएगा जीरो, ये इधर जाएगा जीरो, एक्स बराबर मिल जाएगा जीरो। एक क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या मिला, जीरो। बस इसी क्रिटिकल पॉइंट पे d2y/dx² निकाल लो फटाक से ठीक है, d2y/dx² निकाल लो, पता कर लो कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। अच्छा जरा ये सोचो कि फलन थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है तो सेकेंड डेरिवेटिव ना लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो। एफ डैश एक्स के मान में थोड़ा सा इससे पीछे वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा आगे रख लेते हैं, अगर वर्धमान से ह्रासमान जा रहा है तो मैक्सिमा है, ह्रासमान से वर्धमान आ रहा है तो मिनिमा है ना। तो एक बार देखो जरा, उससे भी रख के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है तो चेक करते हैं उसे, हाँ तो बनाते हैं उसे है ना। देखो तो यहाँ क्या करते एक बार, हाँ मतलब रफली चेक कर लेते, वैसे सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे क्या करो, ये जीरो पॉइंट है, जीरो से पहले एक -1 ले लो, एक 2 ले लो, सॉरी 1 ले लो ठीक है, और इन्हीं दोनों का मान उठा के जी डैश एक्स में रखो। -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 ठीक है, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +2 क्लियर, और इधर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर मतलब कुल मिला के जो भी आएगा ना 36, ये आएगा +2/36। पहले फलन कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, पहले कैसा दिख रहा है भाई, पॉजिटिव मतलब फलन वर्धमान है, ध्यान रखना पहले पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान है, काम कुछ हो रहा है ठीक है। अब इसके बाद आगे वाला रखो, 1 रखो, यहाँ लिख रहा हूँ 1, यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2 रख दिए थे क्या, -1 रखना था ना, तो -1 रखेंगे इतना नहीं आएगा। देखो एक मिनट जरा सोचो, जरा सा आज रफली चेक ही कर लेते हैं। -1 जी डैश एक्स में रखो, 1 × 2 × -1 है ना, दिख रहा है हाँ, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 - 2 हाँ, -2 - 1 - 2 ही होगा ठीक है, और ये 1 + 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2/9, तभी ये पॉजिटिव ही आने वाला है। और जरा 1 रखो, 1 रखोगे तो 2 × 1 = -2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब ये आएगा -2/9, इधर क्या है ह्रासमान है फलन। तो जब कोई फलन ऐसे वर्धमान होके ह्रासमान हुआ तो इस जीरो पर फलन कैसा दिख रहा है, मैक्सिमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो चेक तो हो गया कि ये फलन मैक्सिमा है, तो वैसे ही चेक कर लो यार, क्या दिक्कत है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही चेक कर लो। लिख सकते हैं कि जीरो से पूर्व या जीरो से पहले x = -1 पर फलन वर्धमान है तथा x = 1 पर
एक पर फलन ह्रासमान है, अतः क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु x बराबर 0 पर फलन मैक्सिमा होगा, है ना। देख लो आ गया। लेकिन हाँ, अगर सेकेंड डेरिवेटिव लगाना है, प्रूफ करना है, तो ऐसे कर लो, f डबल डैश x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कर लो, फिर से आकलन कर लेते हैं ना, ये अंश है, ये हर है, थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसीलिए वो तो उस तरीके से कर रहे थे, ठीक है, कर लो इसी तरीके से। माइनस टू एक्स, चलो तो ये वाला फंक्शन ऊपर जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स का आकलन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, फिर माइनस लगा दो और वो टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस टू एक्स, और अंदर भीतर आएगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट, टू आगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स। देख लो जरा, एक बार समझ लो इसको, है ना, लिख रहे हैं, लिखने के बाद समझा दे रहे हैं। क्या किए, आर को ऊपर लेके गए, अंश का आकलन कर दिए, टू एक्स का माइनस टू हो गया, फिर माइनस लगाते हैं और ये टू एक्स तो ऐसे ही रहेगा ना, तो वो वाला माइनस और इसका माइनस प्लस टू एक्स हो गया, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाता है और इसका आकलन किया जाता है, इसका जब आकलन करोगे तो टू आगे आएगा, टू आगे आया एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया, और फिर इसके भीतर वाला आकलन श्रृंखला विधि से आगे होगा तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, सब सही है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर का एक और स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ फोर हो जाएगा, है ना। चलो अब आगे लिखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू है, माइनस टू है तो इधर लिख लो बाहर माइनस टू, प्लस टू एक्स, टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, और ये टू भी है तो यहाँ हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू के होल पावर फोर। अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ चेक करना है हमको, कहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना है, एक्स बराबर जीरो पर, तो जीरो रख दो जहाँ जहाँ एक्स है, इधर जीरो रखोगे क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू जीरो प्लस टू का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एट इंटू जीरो, ये तो पूरा स्वाहा हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में ही जीरो है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जीरो प्लस टू के होल पावर फोर, ठीक है। ये देखो टू टू जा फोर, फोर टू जा माइनस एट, और इधर हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक है, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह, काटेंगे आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव, देखो वही बता रहे थे ना, लेस देन जीरो आ गया कि नहीं, यही बता रहे थे, यही बात, लेस देन जीरो आया मतलब फलन मैक्सिमा है, तो बता रहे थे, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है इसीलिए इसको नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर भी नोट कर लो, है ना। तो क्या बोलेंगे, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन उच्चिष्ट है, स्थानीय उच्चिष्ट है, स्थानीय उच्चिष्ट है, और फिर उच्चतम मान भी तो निकालना है, तो उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में जिस पे उच्चिष्ट हुआ है वो उठा के रख दो, तो उच्चतम मान के लिए हो जाएगा वन अपॉन जीरो का स्क्वायर प्लस टू बराबर कितना मिलेगा, वन अपॉन टू, आंसर हो गया लोकल मैक्सिमम, ठीक है। सही है, नोट कर लो फटाक से, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस तीसरे का ये लास्ट है, आठ थे ये लास्ट है, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो फटाक से, चलो आगे देखा जाए। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स इंटू रूट में वन माइनस एक्स है, ठीक है, और ये जो एक्स है वो जीरो से लेकर एक के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर इससे बाहर क्रिटिकल पॉइंट आया तो उसको नहीं लेंगे, इसलिए कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होगा? क्रिटिकल पॉइंट पे। अगर इससे बाहर जीरो से छोटा या एक से बड़ा हुआ तो वो सब क्रिटिकल पॉइंट ऐसे हाथ से मिटा देंगे हम, आप लोग भी इसे काट दीजिएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो, बनाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट में वन माइनस एक्स, बनाते हैं। चलो देखो, तो इसे करेंगे क्या, सबसे पहला काम है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एम इंटू एन है ना, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, तो पहले को छोड़ दिए भाई, दूसरे का अवकलन कर दिए प्लस दूसरे को अब छोड़ दिए और पहले का अवकलन कर दिए, ठीक है, कितना आएगा ये रूट का अवकलन होगा, कितना हो जाता है रूट का अवकलन करेंगे तो ये वन बाई टू है ना, तो वन बाई टू आगे आता है और ये वन बाई टू माइनस, हाँ चलो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x इंटू वन बाई टू वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स। किसको इसमें दिक्कत है ये बता दो, नहीं है ना, रूट एक्स का मान क्या होता है, रूट एक्स का जब अवकलन करते हैं तो वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाता है, देखो वन अपॉन रूट एक्स को अवकलन करते हैं वन अपॉन टू रूट एक्स होता है ना, वही काम यहाँ भी किया, लेकिन जब ये एक्स होता है तब करते हैं, भीतरा देखो ये गड़बड़ है, बिगड़ायल फंक्शन, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो इसको जब करेंगे तो माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा श्रृंखला विधि से, ठीक है, और प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे, एक्स का भाई स्वाहा वन आएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे करेंगे माइनस, आगे लगा लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस, सही है। चलो थोड़ा सा और आगे प्रोसेस कर लें, थोड़ा सा आगे है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस, अरे भाई एलसीएम लिए इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये टू आगे जाएगा, वन बाय रूट एक्स, वन बाय रूट एक्स क्या बना लेगा, वन माइनस एक्स, इसीलिए तो किए ताकि फ़ायदा हो कुछ, ठीक है। देखो टू मल्टीप्लाई करेगा, टू इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा बाबू, माइनस एक्स माइनस प्लस टू माइनस टू एक्स, हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू रूट वन माइनस एक्स। अब इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तब ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इससे कठिन होता है इससे आसान हो जाता है, इससे और कठिन होता है इससे आसान, ठीक है। चलो बात समझ में आई, इधर का मिटा दे, आगे करते हैं। अब देखो ये तो आ गया एफ डैश एक्स, क्योंकि बड़ा था थोड़ा सा कठिन था तो लंबा तो आना ही है, क्या दिक्कत है, अब तो लास्ट सीरीज चला रहे हैं, तो यहाँ से एफ डैश एक्स आया तो अब क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट है ना, फॉर सी पी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड पकड़ो क्या है, माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई रूट में वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा जीरो हो गया, क्या बनेगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा बाबू लोग, अरे टू बाई थ्री मिलेगा ना, किसी को कोई डाउट पूछो कमेंट बॉक्स में, नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए, ठीक है बढ़ा जाए आगे। चलो तो बढ़ते हैं है ना, अब देखो एक्स बराबर टू बाई थ्री, क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे चेक करने के लिए कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे फलन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है ना, यही काम करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है ना, तो चलो चेक करते हैं इसके लिए क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा, अरे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पहले तो निकाल लो, और कठिन यार ये डी टू वाई, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना क्या मतलब, चलो यहाँ आ जाते हैं एफ एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसी का अवकलन कर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है, चलो तो इसका अवकलन करेंगे तो हर को ऊपर ले जाओ
हर को ऊपर लेके चले गए, अंश का अवकलन कर दो, d बाई डी एक्स अंश का कर दिए, माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर माइनस लगाओ, अंश को छोड़ो, हर का अवकलन कर डालो, सही है। आगे बढ़ा जाए, डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर करेंगे फोर, वन माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस एक्स, ठीक है, सही है ना। चलो अब आगे करते हैं, इसका अवकलन करोगे तो माइनस थ्री एक्स का थ्री होगा और टू तो हो गया गायब, तो माइनस थ्री आके इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस प्लस टू से, तो इधर हो जाएगा सिक्स इंटू रूट में वन माइनस एक्स, ठीक है, सिक्स इंटू रूट में वन माइनस एक्स। और इधर क्या होगा भाई, इधर देखो ये तो अकेला पड़ा हुआ बेचारा, ऐसे ही छोड़ दो इसको, थ्री एक्स प्लस टू, और साथ ही साथ ये देखो टू रूट वन माइनस रूट एक्स है, तो ये बनाएगा हमारा क्या बनाएगा भाई, ये हो जाएगा टू अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स, साथ ही साथ माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस वन, सही है। देख लो एक बार और देख लो, समझना है तो समझ भी लो, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, खिचड़ी पक गया, एक बार और लिखते हैं, ये ऐसे ही छोड़ दिए, इसका अवकलन किए तो माइनस थ्री हो गया, और ये माइनस थ्री आके टू से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस सिक्स, और साथ ही साथ ये बनाएगा वन माइनस एक्स। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना, आया ना ये बात समझ में। अब आगे देखो, माइनस है ये ब्रैकेट में जैसे है वैसे ही लिख दो, और इसका अवकलन कर डालो टू वन माइनस एक्स का, तो वन माइनस एक्स का रूट में करेंगे तो ये नीचे जाता है, रूट एक्स का अवकलन वन बाई टू रूट एक्स, तो ये बनाएगा क्या टू बाई टू रूट एक्स, एक्स के भीतर क्या है वन माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है भाई फोर इंटू वन माइनस, ठीक है। अब आगे करो, आगे उधर तो जगह है नहीं, इधर करते हैं, क्वेश्चन रहने दो, इसको मिटा दे रहे हो। चलो तो आगे करो करो भाई करो, क्या होगा, चलो आ जाओ, ये होगा माइनस सिक्स रूट वन माइनस एक्स, इधर इधर माइनस ही रहने दो, ब्रैकेट में होगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई, अच्छा बाहर भी एक माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और नीचे हो गया रूट में वन माइनस एक्स, और होल डिवाइडेड बाई कितना है फोर इंटू वन माइनस एक्स। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब एलसीएम ले लो, ठीक है ले लो, जब तक छोटा बना सकते हो बनाते जाओ, इक्वेशन को जितना छोटा बना सकते हो, वैल्यू तो हमको रखना ही है टू बाई थ्री, एक्स की जगह पे टू बाई थ्री रखना है, तो यहाँ रखो चाहे थोड़ा छोटा बना के रखो, रखोगे तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगी यार, रूट में है क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा सिक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनाएगा वन माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और डिवाइडेड बाई ये जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स रूट में वन माइनस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करो, इधर भी माइनस बाहर लेके चले आओ, है ना, तो ये बनाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स, ये बनाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर इंटू, अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं क्या थ्री बाई टू, कोई दिक्कत है इसमें, ये समझो इसमें कोई दिक्कत है, ये एक्स और रूट एक्स अगर ऐसे हो तो इसको एक्स के पावर थ्री बाई टू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया, ऐसे लिख दिए, है ना। अब देखो जरा एक स्टेप और करूँ, थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्या, जाने दो क्या दिक्कत है, माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स, अच्छा इसको भी घटा सकते हैं ना, माइनस सिक्स प्लस टू हो गया माइनस फोर प्लस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर इंटू वन माइनस एक्स के पावर थ्री बाई टू। देखो जहाँ तक हो सकता था तहाँ तक हम इसको कम किए हैं, किए कि नहीं किए, तो यही काम तुम लोग को भी करना है, करोगे ना, जहाँ तक हो सकता था कम किया, अब x बस दो ही बार है
क्योंकि एक्स का मान भी कॉम्प्लिकेटेड था, अगर 0 होता 1 होता तो यही उठा के रख देते, ताकि ख़त्म हो जाता, स्वाह हो जाता कहानी। लेकिन ये 2/3 है, तो यहाँ अगर रखेंगे तो रूट निकालना 50 बार है ना, तो क्या मतलब है, उससे बढ़िया छोटा बना लो, क्लियर। और हाँ, अगर 0 हो तब छोटा बनाने की जरूरत नहीं है, जहे जहाँ पा गए d2y/dx2 कैसा भी पा गए, बस 0 उठा के रख दो, क्योंकि वो छोटा बनाता है, ये तो बड़ा बनाएगा। चलो अब ये आ गया f" x है ना, -4 + 3x / 4 × 1 − x^3/2। अब चलो d2y/dx2 रख दो वैल्यू, ठीक है, एक मिनट, तो चलो बाबू ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद d2y/dx2 एट कहाँ भाई, x = 3/2 पे, बस चेक करने के लिए देखो इतना बड़ा पहाड़ बना लिए, उससे बढ़िया फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाते, आसानी से हो जाता। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे करेंगे क्या, 3/2 रख लो इसमें, ये हो जाएगा -4 + 3 2/3 3 × 2/3 / 4 × 1 − 2/3 / 3/2। सही है, जरा देखो कैसा मिलने वाला होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिलेगा -2, नीचे मिलेगा 3 × 2 = 3 − 2 = 1/3, तो ये कितना हो जाने वाला होगा 4 × 1/3, और भी लिख सकते हैं 1/√3, ठीक है, कुछ भी कर लो, वैल्यू जो भी मिलने वाला होगा ये नेगेटिव ही मिलेगा, कैसा मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, लेस देन 0, इसी की तो ज़रूरत थी, देखो यहाँ माइनस है तो लेस देन 0 ही हमको मिलेगा वैल्यू। अगर लेस देन 0 मिला, अर्थ क्या हुआ कि ये फलन इस पॉइंट पे मैक्सिमा है ना, बात समझ में आई, 0 ही मिलेगा यार, 2 से 4 कट गया, -1 कहीं जाएगा क्या, और कहीं माइनस होता तो वो काटता, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये 3√3 ऊपर चला आएगा है ना, तो 3√3/2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी माइनस में रहेगा, जो कि 0 से छोटा है, और अगर 0 से छोटा हुआ, हाँ भाई हाँ, वाह भाई वाह, ठीक है, तो यह मान कैसा देगा, मैक्सिमा ही देने वाला है, ठीक है। चलो तो बना लेते हैं मैक्सिमा वैल्यू, मिटा दे इधर का, चलो देखो हमारे पास आ गया कि 2/3 पे फलन x = 2/3 पर फलन कैसा है भाई, स्थानीय निम्नतम, निम्निष्ठ है ना, स्थानीय क्या है, निम्निष्ठ है, साथ ही साथ अब निम्नतम मान निकाल लो, अब निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, उठा के फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, बस काम खत्म, तो उठा के रखो जरा, हो जाएगा x = 2/3 रखना है किसमें, फंक्शन fx में रखने पर, fx ही ना है, हाँ ठीक है, रखने पर रख दो, हो जाएगा 2/3 × √1 − 2/3, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 3 × 3 − 2 = 1/3, बनेगा कितना 2/3√3 बन गया, ठीक है। अच्छा इसको और भी लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है कितना, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, √27 हो सकता है, लेकिन इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया स्थानीय, अरे निम्निष्ठ लिखे हैं क्या, उच्चिष्ठ है भाई, हाय हाय उच्चिष्ठ है, कहाँ दिमाग है, देखो उच्चिष्ठ है क्योंकि लेस देन 0 है, तो यह क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान है ना, स्थानीय उच्चतम मान, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्लियर, स्थानीय लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नोट कर लो फटाक से, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फटाक से नोट कर लो, ये हो गया खत्म, तीसरा खत्म हो गया, अब इसके बाद बचा है हमारा चौथा,
ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी बना लेते हैं, हट जाए, नोट कर लूँ फटाक से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, किसी भी फलन का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। चलो सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि तो देखो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों, निम्न लिखित फलनों, निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। चलो अब फलन हमारे कौन कौन से, चार दे रहे हैं, तुम लोग के सामने चारों लिख दे रहे हैं, फिर किया जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स दूसरा दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स तीसरा दे रहे हैं, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, दिखाना है कि ना तो ये मैक्सिमा है कहीं और ना ही मिनिमा है ना। देखो जरा कर सकते हैं कई तरीके से, चारों विधि लगा लो। इसका विधि लगाओगे तो इसका ग्राफ याद है, ई के पावर एक्स का ग्राफ, ये ऊपर की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है भाई, ये क्या होता है, ऊपर की ओर ग्राफ बढ़ता है ई के पावर एक्स का। हाँ तो देखो क्या बोले हैं कि ये जो ग्राफ होता है ना ई के पावर एक्स का, वाई बराबर ई के पावर एक्स, ये देखोगे तो ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो चलो ये बताओ कि ऐसे ग्राफ अगर हम देखें तो इस ग्राफ में क्या हम बता सकते हैं कि इसका मिनिमा का है मैक्सिमा का है, नहीं बता सकते। मतलब इसमें हम न तो नाइदर नाइदर मिनिमा बता सकते हैं और नॉर मैक्सिमा बता सकते हैं। बात समझ में, ग्राफ से बता सकते हैं। अगर चाहे तो फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी लगा लो। फर्स्ट मेथड लगाओगे तो यहाँ देखो एफ एक्स बराबर है हमारे पास ई के पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, ई के पावर एक्स। एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, ई के पावर एक्स। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, तो कोई ऐसी वैल्यू ही क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलेगा जिस पे ये फंक्शन जीरो की मतलब कि मैक्सिमा या मिनिमा बताए। तो इसीलिए इसको बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना, कोई भी इसका फलन उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। अच्छा लॉग एक्स का बात करते हैं, लॉग एक्स को देखते हैं कैसे होगा, बस ग्राफ बना लेना है, खत्म कहानी। लॉग एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा होता है, थोड़ा सा देखोगे तो वो ग्राफ हमको ऐसे जाता है, वो ग्राफ देखो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसा आई थिंक ऐसा जाता है। ठीक है, मतलब वो नीचे की ओर झुकता जाता है, ग्राफ नीचे की ओर, जीरो से हटा लो, ये ग्राफ क्या होता है नीचे की ओर ऐसे झुकता जाता है। तो मतलब जरा समझो कि अगर नीचे की ओर झुक रहा है तो इसका भी ना तो कहीं मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही कहीं मिनिमम पॉइंट होने वाला होगा। क्लियर, तो ये क्या फंक्शन है, वाई बराबर लॉग एक्स का, तो इसे भी क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। और तीसरी बात करते हैं इसकी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, इसकी तो कोई भी फलन मैक्सिमम मिनिमम मिलने नहीं वाला। पॉलिनोमियल ऐसा है जो डिक्रीजिंग फंक्शन में जा रहा है, तो जरा देखो निकाल लिया जाए।
इसको मिटा दें, बस ग्राफ बनाना है और लिख देना है कि इस ग्राफ में कहीं भी फंक्शन पे मैक्सिमा मिनिमा हम नहीं निकाल सकते, अतः इन इस फलन का कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा, बस ग्राफ बना के खत्म। ठीक है, और जरा देखो तीसरा वाला, इसका अगर चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एच एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये है ना, एफ डैस एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका देखोगे तो कोई भी क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, श्रीधराचार्य भी लगाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो अगर यहाँ पर इसका कोई भी मान नहीं देता है, यह x का कोई मान नहीं देता है, अतः क्या बोलेंगे, इसका कोई क्रांतिक बिंदु नहीं होगा। और अगर क्रांतिक बिंदु नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि फलन मैक्सिमम मिनिमम बताना असंभव है, तो ना तो इसका कोई मैक्सिमम होगा और ना ही कोई मिनिमम होगा, अतः इसका इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होता है। ठीक है, ना तो उच्चतम मान होता है नहीं मिनिमम, क्योंकि ये x कोई वैल्यू नहीं देगा, अगर इसको बराबर जीरो करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो के बराबर करना होगा ना, और करेंगे तो x का कोई मान आएगा ही नहीं, और नहीं आया तो मतलब ना तो उच्चतम होगा और नहीं मिनिमम होगा। क्लियर है ना, नोट कर लो फटाक से, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट फटाफट। चलो, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है, निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान, जितने भी क्वेश्चन है सभी का। तो निरपेक्ष मतलब कुछ याद आ रहा है, क्या करना होगा कि यदि कोई फलन का निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम दिखाना है तो वो दो पॉइंट से आता है, पहला तो इंड पॉइंट हमको पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसका क्रिटिकल पॉइंट हमको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट पता चल गया तो इन सभी, जितना भी इंड पॉइंट आता है और जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आता है, इन सभी में देखेंगे कि सबसे कम कहाँ है और सबसे अधिक कहाँ है, वही उसका निरपेक्ष मान होगा जो उसका अधिक होगा, और कम मान होगा वो न्यूनतम होगा। चलो, तो इसी में देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया और अंतराल हर बार अंतराल देगा और वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ, बंद अंतराल देगा तभी पता चल सकता है कि उसका इंड पॉइंट क्या है, माइनस टू और टू। तो मतलब इसका इंड पॉइंट तो हमको मिल गया माइनस टू और टू, अब हमको चाहिए इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट देखो इसका करेंगे क्या, एफ डैस एक्स निकालेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर। जरा फॉर क्रिटिकल पॉइंट अगर हम चेक किया जाए तो एफ डैस एक्स हमारे पास कितना मिलेगा, जीरो होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर में हमको क्या मिला, जीरो। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला, एक इंड पॉइंट ये मिला, एक इंड पॉइंट ये मिला, स्टार्टिंग पॉइंट, बस टैली बना लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टैली बन गया, ऐसा एक के बार में सब बन जाएगा। यहाँ पर लिखो पॉइंट्स है ना, मतलब सभी बिंदु, कुछ भी लिख लो, मतलब कि कौन सा बिंदु है, एक तो इंड पॉइंट माइनस टू है, साथ ही साथ क्रिटिकल पॉइंट जीरो है और एक और इंड पॉइंट टू है। ठीक है, अब जरा देखो इन सभी बिंदुओं पे एफ एक्स का मान निकाल लो, डायरेक्टली एफ एक्स का मान इन्हीं तीनों बिंदुओं पे निकाल लो। जैसे ही एफ एक्स रखेंगे माइनस टू तो ये हो जाएगा माइनस एट,
जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो, और टू रखेंगे तो हो जाएगा एट। जरा ये बताओ कि इसमें सबसे मिनिमा कहाँ है, मिनिमा या मैक्सिमा, ये दिखाना है ना। सबसे मिनिमा कहाँ है, माइनस एट पे, सबसे मैक्सिमा कहाँ है, एट पे। क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब यही हो गया इसका निरपेक्ष निम्नतम मान, और ये हो गया क्या इसका निरपेक्ष उच्चतम मान। समझ में आया, कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस का कुछ नहीं करना है, बस हाँ इसका ग्राफ चेक करना है कि कहाँ ये मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, जरा देखो इसका जो क्यूब का ग्राफ होता है ना वो कैसा होता है पता, वो ऊपर ऐसे जाता है और नीचे ऐसे जाता है ना, सीधे ऊपर की ओर बढ़ जाता है और ये सीधे नीचे की ओर। अगर इसको बाउंड कर दिया जाए एक्स बराबर दो पे और एक्स बराबर माइनस दो पे, क्लियर, तो वाई बराबर जाहिर सी बात है कि या तो इधर माइनस आठ देगा यहाँ पे और इधर आठ देगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जहाँ से ये वैसे भी वर्धमान वर्धमान ही हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट से कुछ फायदा है नहीं, है ना। हमको मिल गया निरपेक्ष न्यूनतम निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है, ग्राफ से भी समझा दिए, ट्रिक से भी समझा दिए, डायरेक्टली भी लिख दिए, जो मर्जी वो लिख लो, जैसे मर्जी वैसे समझना हो समझ लो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम निकालने के लिए एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट दोनों की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, मिटा दे, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिटा देना, नोट कर लो, एक मिनट और। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जीरो से पाई के बीच में, क्या दिया भाई, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बनाते हैं इसको, मिटा दे रहे हैं इस टैली को, करेंगे क्या क्या करेंगे भाई, एंड पॉइंट तो इसका है ना, एंड पॉइंट वो खुद ही दिया है, कौन सी है भाई, ये दिया है क्लोज ब्रैकेट में जीरो से लेकर पाई तक, तो मतलब एक एंड पॉइंट जीरो है, दूसरा एंड पॉइंट पाई है ना। हाँ, अब साथ ही साथ इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखा, इससे जस्ट पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था याद है सभी को, इसी वीडियो में बताएं, पीछे थोड़ा सा पीछे जाओगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बताएं तीसरे का तीसरा याद करो। चलो ठीक है, 2 मिनट लगेगा, इसको ही बता दे रहे हैं, इसका निकालो क्या एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस, सॉरी गलत हो गया, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स, कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमको, एंड पॉइंट मेरे पास है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया जीरो के बराबर, ये साइन उधर जाएगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1, बता चुके हैं सभी को। ठीक है, ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे, फटाफट करते हैं। हाँ, टेन एक्स बराबर 1, 1 क्या बोल सकते हैं, 10π/4, 10π/4, एक्स बराबर क्या मिला π/4। अब देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ से d2y/dx² निकाले थे, ये वैल्यू उठा के रखे थे, पता चल गया था ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें स्थानीय उच्चतम न्यूनतम नहीं दिखाना है, इसमें निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम मान दिखाना है, मतलब साथ ही साथ या तो स्थान ही ले साथ ही साथ एंड पॉइंट को भी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को भी लेकर चलेंगे। तो अब बना लो टैली फिर से वही वाला, ठीक है, सब में यहाँ लिख लो क्या बिंदु, कौन कौन से बिंदुए पे ये क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है ना, यहाँ लिख लो एफ एक्स का मान, यहाँ पता चल जाएगा फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। चलो तो बिंदु हमारे पास कितने हैं, ये π/4 है, मतलब सबसे छोटा जीरो है, जीरो से बड़ा π/4 है और π/4 से बड़ा पाई है, बस तीनों पे एक एक करके मान रखते चलो। जब साइन जीरो रखेंगे वैल्यू कितनी होती है जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गया 1, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू
वन बाई रूट टू ऐड करते हैं, याद करो कितना आएगा, रूट टू आएगा ना, कर लो इधर, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, कितना आएगा, रूट टू एलसीएम होगा, वन प्लस वन टू बाई रूट टू, पर मैं ही करण कर दूँ या फिर जो पहले बताए हैं वो कर दो, ठीक है। टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कट गया, रूट टू आ गया। ये तो क्लास नाइन टेंथ में करते थे, क्या मतलब है इसका, ठीक है। आगे देखो, पाई रखो, साइन पाई की वैल्यू रखें कितना होता है, साइन पाई की वैल्यू होता है जीरो और कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, इधर हो गया माइनस वन। जरा ये बता दो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये है, सबसे बड़ा कौन सा है, रूट टू, हाँ रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक है, और ये तो वन है, तो जरा बताओ सबसे छोटा कौन है, माइनस वन, सबसे बड़ा कौन है, 1.414, इसका मतलब कि मैक्सिमम हमको मिलने वाला है कहाँ पर भाई, कहाँ पर मिलेगा, पाई बाई फोर पर, और मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, पाई पर, बस खत्म हो गया। निरपेक्ष मैक्सिमम मिलेगा पाई बाई फोर पर और निरपेक्ष न्यूनतम मान मिलेगा पाई पर, और मान कितना होगा, माइनस वन, ठीक है, समझ में आया, फटाफट नोट करो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ऐसे ही दो क्वेश्चन और हैं, है ना, दो क्वेश्चन और हैं, वो दो क्वेश्चन भी बनाते हैं, ठीक है, आसान है यार, दोनों क्वेश्चन सिंपल है, इंड पॉइंट दिया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, ऐसा ही टैली बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। चलो भाई, तो देखो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, बन जाएगा तो बताना कमेंट बॉक्स में। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है पांचवे का तीसरा, ऐसा एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x बिलोंग टू कर रहा है माइनस टू और नाइन बाई टू। तो देखो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। जरा सोचो कि इससे फंक्शन का हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, बस करना क्या है भाई, क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स निकालो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x, 4 माइनस x, x बराबर 4, आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों की वैल्यू रखो और एक एक करके इस पर उठा के वैल्यू रखते जाओ, आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है, कोई हार्ड है क्या, ये बना लोगे आप लोग, ये आप लोग बनाओगे, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाक से, बनाओगे ना, चलो जल्दी जल्दी लिखो, बनाओगे, अभी बना लो, क्या प्रॉब्लम है, अभी बना लो। ठीक है, बन रहा है ना क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है, बस उन्हीं तीनों वैल्यू पे एक इसका क्रिटिकल पॉइंट, हाँ एक ही इसका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और दो ये बिंदु है, तीन बिंदुओं पे चेक करो, जहाँ मैक्सिमम होगा वैल्यू का मान ज़्यादा होगा वो होगा मैक्सिमम पॉइंट, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। देखो इसके बाद चौथा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, वो भी तुम लोग के होमवर्क में ही है, ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, और एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट में माइनस तीन से लेकर वन तक। जरा देखो इसका करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जीरो के बराबर करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, और जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिला तो क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट तीनों पर एक एक करके वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे आंसर आएगा। बताओ बना लोगे, जल्दी जल्दी लिखो, बना लोगे ना फटाफट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं निरपेक्ष मैक्सिमम और निरपेक्ष मिनिमम मान निकालने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे एक से लेकर पाँच तक,
है ना, इसलिए समय ज़्यादा लगा। ठीक है, दो क्वेश्चन बना लेना, है ना, रहने दे इसको। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, हाँ 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए थैंक यू।